उड़िया हो, बंगाली हो, मलयालम भी हो, कोई भी भाषा हो, हिंदुस्तान का कोई भी भाषा हो, आराम से सीखा जा सकता है। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं वर्णमाला। पहला जो पाठ होता है उसका, उसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं उसको। स्वर मतलब कि वावल्स, स्वर जिसको भी बोलते हैं वावल्स। ठीक है, ठीक। दूसरा जो पाठ होता है उसका, हाँ व्यंजन बोलते हैं उसको, व्यंजन। या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्यंजन को, क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अगर मुझे स्वर याद रखना है या वावल्स याद रखने हैं तो आसान तरीका क्या है? देखो वावल्स का आसान तरीका, तो शुरू होता है अ, ठीक, उसके बाद वो आता लंबा आ, ठीक है, होता है, और उसका लंबा क्या होता है? फिर उसके बाद ए, उसके बाद क्या होता है ए का? ए, आई नहीं, ध्यान रखना हमेशा लंबा हो जाता है। ए, ए, उसके बाद ओ, ओ, ठीक है, अंग, ठीक है, वो दो अलग है। तो पहला हिस्सा हो गया स्वर का, ठीक है, दूसरा हिस्सा हो गया व्यंजन का, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। कैसे याद आता है बताओ, कैसा होता है? देखो ऐसे याद रखना, सबसे पीछे जो आवाज निकाल सकते हो वो क्या है? क, मैक्सिमम पीछे, ठीक है। सबसे पहला हो गया जो, सबसे पीछे जो सबसे निकलता है आवाज, बच्चा सबसे पहले जो आवाज निकाल सकता है, क क क क ग ग ग ग जो आवाज निकलता है वो पहला होता है क वर्ग। क्या बोलते हैं उसको? क वर्ग, ठीक है। उसके बाद क के आगे और क, उसके आगे छ। आजकल है ना, बच्चों को ये चीजें नहीं बताता है, टीचर को नहीं मालूम होता, चलता तब ऐसे जो रहता है ना, तो नहीं बताते, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद च, ठीक है, च वर्ग बोलते हैं, ठीक है, च छ ज झ ञ। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क च, फिर ट, ट से टमाटर, तो होता है ट वर्ग। फिर उसके बाद ट, शाबाश। उसके बाद क च ट, ट फिर प वर्ग। तो इसको क्या बोलते हैं सारे को? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो इसमें कैसे शुरू होता है? क, और क में थोड़ा फर्क आएगा, देखो हवा निकलेगा, ख निकला हवा, वहां से नहीं, यहाँ ख, ठीक है। क और ख में क्या फर्क है? क और दूसरा ख, हवा निकलेगा। दूसरा लिखते हैं ख, उसके बाद क्या होगा? यहाँ से आवाज निकलेगा ग, 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 चूंकि देखो ग, ग, इसको घोष बोलते हैं, ठीक है, ये होता है ग। फिर ग, हवा निकला, आवाज निकला और हवा निकला घ, ठीक है, ग, ग। फिर आखिरी नाक से निकलेगा ng, ng, ठीक है, ng। वैसे ही नीचे सारे में होता है, वैसे ही सारे के सारे नीचे आते हैं, जैसे कि च हुआ, च में क्या होगा? हवा निकलेगा छ, 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 हो गया छ। फिर यहां से निकलेगा ज, ठीक है, ज, फिर झ, आवाज निकलेगा और यहां से झ, और फिर नाक को चले आएगा ञ। तो मुंह से शुरू हुआ और नाक, करेक्ट, तो हुआ उसके नीचे ट वर्ग। ट वर्ग कैसे होगा? ट, ट के बाद ठ, शाबाश, ठ हो गया। ट के बाद ड, 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 फिर हो गया ध, फिर हो गया ण, नाक में आएगा ण, 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 नाक में आएगा, ठीक है। वैसे ही हो गया ट, क का फिर हवा आएगा,
ठीक है, थ हुआ थ, उसके बाद द द द करेक्ट, फिर ध, हवा हवा, आवाज भी और हवा भी, ध, फिर नाक में आ जाएगा न, ठीक है, फिर प, प में जब अगर हवा आया तो फ, फ करेक्ट, फ, फिर आवाज आएगा घोष, प, फ, ब, ब, फिर फ, हवा आएगा भ, 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 कैसा दो दो आएगा भ, और आखिरी नाक से म, म, तो व्यंजन, तो देख लिए व्यंजन वर्ण जितने हैं, कॉन्सोनेंट्स जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाए गए हैं, जिस जगह से उच्चारण होता है उस तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ऑफ ए आर आर्टिकुलेशन, ठीक है, समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद आखिरी वाला हिस्सा क्या क्या है, क ख ग घ ञ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, उसके बाद इसमें क्या करना पड़ता है, देखो य र ल व, इसमें क्या ग्लाइड हो रहा है, य र, कैसे ऐसे करके ग्लाइडिंग हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइड्स, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइड्स, उसके बाद तीन श आता है ना, श श श, ठीक है, तालव श, दंत स, मूर्धना श, इसको बोलते हैं, हाँ परीक्षा, तो इसको बोलते हैं क्या, ऐसे आवाज आता है ना, इसलिए इसको सिबिलेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि सबसे कठिन है कि नहीं है, सबसे कठिन है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लेंड्स, क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं ब्लेंड्स, B-L-E-N-D-S, कुल मिला के आपको बैठो, सबको बारी मिलेगा, सबको बारी मिलेगा, सबको बारी मिलेगा, श्रा शाबाश, हाँ क्षत्रज्ञ श्रा, तो ये तो हमारा पूरा वर्णमाला कितने हिस्सों में तोड़ा गया, पहला हिस्सा स्वर या वावल्स, दूसरा हिस्सा कॉन्सोनेंट्स, तीसरा हिस्सा ग्लाइड, चौथा हिस्सा सिबिलेंट्स, पांचवा हिस्सा ब्लेंड्स, ठीक है, ये कैसा हुआ, अ उसका लंबा हुआ आ, ई उसका लंबा हुआ ई, ए ओ ओ, बस उसके बाद आ गया हमारा कॉन्सोनेंट्स, जैसे जैसे आवाज निकलता पीछे से आगे, वैसे वैसे कॉन्सोनेंट्स या वर्ण बनते हैं, सबसे आखिरी सबसे पीछे निकाले जाने वाला आवाज कौन सा है, क, तो पूरा क वर्ग क्या कहलाएगा, क ख ग घ ङ, उसके आगे कौन सा आवाज निकलता है, शाबाश, उसके आगे कौन सा निकलता है, उसके आगे कौन सा निकलता है, उसके आगे कौन सा निकलता है, यस, तो तालियां, उसके बाद आता है वाह, तीन श आता है, उसके बाद आ गया ह, ठीक है, ब्लेंड्स हो गया, इतना हो गया हमारा वर्णमाला, है ना आसान, अब बताओ अंग्रेजी में ए के बाद बी क्यों आता है, पता नहीं, अब बताओ अ के बाद आ क्यों आता है, क्यों नहीं, उसका बड़ा है, शाबाश,
अंग्रेजी में बताओ बी के बाद सी क्यों आता है? पता नहीं, बताओ नहीं, बी के बाद सी क्यों आता है? पता नहीं। लेकिन हिंदी में क के बाद च क्यों आता है? हाँ, पीछे से निकलता है, क पीछे है, च उसके आगे है। और बताओ क के बाद ख क्यों आता है? क्योंकि वो हवा में आती है। हाँ, क में थोड़ा हवा जोड़ दो, ख हो गया। अब बताओ मुझे आखिरी जो है हमारा वो ण क्यों है? क्योंकि वो नाक से, क्योंकि नाक से निकलता, सारे के सारे उसके नीचे नाक से निकलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वर्णमाला है वो जैसा आवाज है उसके हिसाब से बना हुआ है। ये इसे बोलते हैं क्या? फोनेटिक। क्या बोलते हैं? फोनेटिक। हमारा जो भाषा है वो क्या है? फोनेटिक। ठीक है, तो हमारा वैसा भाषा अच्छा है, अंग्रेजी अच्छी? बताओ, आसान है, साइंटिफिक है। तो जैसा लिखते हैं वैसा हम बोलते हैं, स्पेलिंग में गलती नहीं होगा, है ना? कैट का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? लेकिन होता है सी ए टी, पर होना चाहिए क्या? के टी होना चाहिए ना? हाँ, क्योंकि क से शुरू हो रहा है। हाँ, तो लेकिन इसको हम लिखते हैं सी ए टी, उसका कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हमारे भाषा क्या है? फोनेटिक। समझ में आ गया? फोनेटिक लैंग्वेज। ठीक है, तो आज का बात खत्म हुआ। थैंक यू, बोलो।